प्राइस इंडेक्स में थोड़ा थोड़ा डाउनसाइड टिक देखने को मिला है, तो स्टेटस को मेंटेनेंस इज अ गुड पॉसिबिलिटी जो हमको लग रहा है कि वंस अगेन थोड़ा वेट एंड वॉच इंप्लीमेंट कर सकते हैं टू कीप यू नो स्टेबिलिटी इन द पॉलिसी जेस्चर. दैट इज द फर्स्ट एक्सपेक्टेशन दैट वी हैव. एंड इवन इन FOMC वी थिंक दैट you know there will be a lot of debate, no doubt, but that will be a very gradual process of withdrawal. That is what our assumption is. हमेशा इस ऐसे में इंडियन मार्केट्स पे एक आउटलुक होगा. कल हमने देखा था एक ब्लड बात तगड़ी पिटाई इंडियन मार्केट्स में होती हुई नजर आई थी, और दिक्कत की बात क्योंकि लॉन्ग ओनली फंड्स की तरफ से हमने देखा था खासा बिकवाली का प्रेशर इंडियन मार्केट्स में आया था. तो अब इंडियन मार्केट्स पे क्या नजरिया होगा, क्योंकि आप मान रही हैं पॉलिसी में स्टेटस क्या होगा, शायद ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ फंड्स होते हुए नजर आए FOMC की तरफ से, तो उस बीच में इंडियन मार्केट कैसा पॉइज्ड है और आपकी क्या कॉल होगा? देखिए इसमें करेंसी ऑफकोर्स इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. यहां पर काफी सारे लोगों का मानना है कि सिंस हमारी सिचुएशन लास्ट जुलाई से बहुत ही बेहतर है, बोथ इन टर्म्स ऑफ करंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ GDP एंड द काइंड ऑफ एक्स्ट्रा मसल दैट वी हैव बिल्ट बिकॉज ऑफ FCNRB डिपॉजिट, $30-32 billion जो एक्स्ट्रा आ गए अपने पास. बट अपने को वो देखना है कि जो बाकी की एशियन करेंसीज जो ग्राउंड लूज कर रही है उनको तो करंट अकाउंट डेफिसिट का प्रॉब्लम था ही नहीं न है, फिर भी एशियन करेंसीज आर लूजिंग ग्राउंड अगेंस्ट डॉलर. तो वो जो है वो इंडिया में भी उतना ही एप्लीकेबल है. इट्स नॉट कि हमारी कंपैरिजन अर्जेंटीना से हो या टर्की से हो जो एकदम वल्नरेबल थे, हम अभी उतने वल्नरेबल नहीं है. बट हम लोग सबके साथ तो जो थोड़ा पेन आएगा बिकॉज ऑफ ग्लोबल टेपरिंग और फंड्स एग्जिटिंग इमर्जिंग मार्केट्स अ बिट, वो रहेगा. एंड इन दैट वी थिंक दैट दिस करेक्शन हैज सेट इन. सो हम लोगों को लगता है कि मे बी अराउंड 5,900-6,000 रेंज मे बी करेक्शन में जा सकता है, नॉट इम्पॉसिबल. बट वी थिंक दैट प्री इलेक्शन सम ऑफ द की थिंग्स टू वॉच फॉर विल बी ग्लोबल इवेंट्स ओनली, बिकॉज हम लोगों को नहीं लगता है कि ऑन द ग्राउंड इन इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल बी समथिंग सो ग्रेट टू एंथ्यूज मार्केट्स टू गो टू नेक्स्ट लेवल. बट सिंस दी थोड़ा जो ये पीरियड है नेक्स्ट 3-4 महीने का, वहां पर दो ही चीज ज्यादा करके मार्केट को इंपैक्ट करेगी, एनी ग्लोबल मूवमेंट्स एज वेल एज ऑफकोर्स दी एक्सपेक्टेशन ऑन पॉलिटिकल आउटकम और इलेक्शन आउटकम. चलिए धन्यवाद हमेशा आपका, आपने समय निकाला CNBC आवाज पर आई और अपनी राय हमसे शेयर करी. चलिए पहला सौदा में हम दोनों को दीजिए इजाजत, आज के लिए इतना ही वक्त तो चला एक ब्रेक का. ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज IPL और बताएंगे कैसी हुई कमोडिटी मार्केट्स में ओपनिंग. नमस्कार. MCX स्टॉक एक्सचेंज इंडियाज न्यू स्टॉक एक्सचेंज प्रेजेंट्स पहला सौदा इन एसोसिएशन विद रेडिकल राइस, राइस फॉर द वाइज, RP संजीव गोयनका ग्रुप, ग्रोइंग लेगेसीज, वीजा डेबिट ड्रीम टू एडवांस, मोहिनी चाय, मोहिनी पियो खुल के जियो मोहिनी चाय. और रेनड्रॉप्स बासमती राइस, फाइनेस्ट पैकेज्ड राइस. Don't get carried away by the onslaught of advertisements about the financial performance of companies in the print and electronic media. Issued in public interest by BSE. इसमें है उत्तम क्वालिटी का कत्था, शुद्ध केसर, सुपारी व नेचुरल परफ्यूम. राजश्री पान मसाला, राजश्री पान मसाला, अच्छा खाइए निश्चिंत रहिए. Designs to desire. Hindwear Italian collection. ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसने सोना उगला, जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया. इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई इज्जत. लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं पूरे देश को जोड़ेगा. ये
ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार, जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची किसानों के महान नेता लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा, श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैचू ऑफ यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। MCX Stock Exchange, India's new stock exchange presents IPL in association with नमस्कार। आईपीएल में आपका स्वागत है। नजर सबसे पहले कमोडिटी बाजार पर। फेडरल रिजर्व की बैठक से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की चाल ठहर गई है। यह 1260 डॉलर के नीचे कारोबार कर रहा है और सोना इंडियन मार्केट्स में भी 3/4% के आसपास के दबाव के साथ शुरुआत करता हुआ 210 रुपए के आसपास ही कमजोरी 29,600 के लेवल्स के नीचे जाता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट चांदी में भी हमने देखा था ग्लोबल मार्केट्स में 20 डॉलर के नीचे ट्रेड हो रहे थे और चांदी इंडियन मार्केट्स में भी 3/4% के आसपास के दबाव के साथ ट्रेड करती हुई 351 रुपए के आसपास की शुरुआती कारोबार में कमजोरी आती हुई। तो बुलियन यानी कि सोने और चांदी दोनों में दबाव देखने को मिल रहा है। वहीं चीन की चिंताओं से कल कच्चा तेल भी दबाव में आ गया था। आज निचले स्तर से हल्की बढ़त हमने देखा था ग्लोबल मार्केट्स में आती हुई और इंडियन मार्केट्स में भी कच्चा तेल ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ मामूली कमजोरी 13 रुपए के आसपास के दबाव के साथ। ध्यान रखें चीन के जितना से डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं उससे घबराहट है दुनिया भर के बाजारों में। लेकिन आईएमएक्स पर अभी भी क्रूड का दाम ध्यान रखें 96 डॉलर के नीचे ही है। इसलिए इंडियन मार्केट्स में भी कच्चा तेल हल्के प्रेशर में 1/4% के आसपास का दबाव देखने को मिल रहा है। इसके साथ एलएमई पर बेस मेटल्स में भी हमने देखा था दबाव आता हुआ इंडियन मार्केट्स में। देख लेते हैं कैसे शुरुआत हो रही है। कॉपर 0.5% के आसपास की कमजोरी 2.5 रुपए के आसपास का दबाव 457.20 के लेवल्स पे शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। एल्यूमिनियम पर नजर डालिए वहां पे भी हम देख रहे हैं 0.5% के आसपास का दबाव 50 पैसे नीचे 108.45 रुपए पे शुरुआती कारोबार। लेड में ऑलमोस्ट 3/4 से 1% के आसपास का दबाव आता हुआ 1.10 रुपए की कमजोरी 135.25 रुपए पे शुरुआती टिक्स आते हुए। निकेल 0.5% के आसपास का दबाव 4.5 रुपए कमजोर 890 के लेवल्स। जिंक पे 1/4% के आसपास की कमजोरी ऑलमोस्ट 45 पैसे का दबाव 126.50 रुपए शुरुआती कारोबार। नेचुरल गैस लगातार कई ट्रेडिंग सेशन से अच्छे मूव दिखाने के बाद 1% के आसपास का दबाव यहां पे आता हुआ 3.25 रुपए के आसपास की कमजोरी 312.50 रुपए के आसपास के लेवल्स पे ट्रेड होता हुआ। मेंथा ऑयल ऑलमोस्ट सपाट लेकिन 80 पैसे के आसपास की बढ़त के साथ यहां पे कारोबार की शुरुआत 816.40 रुपए। चीनी में अगर आप नजर डालेंगे तो 0.5% के आसपास का दबाव 13 रुपए नीचे 2655 के लेवल्स पे यहां पे शुरुआती टिक्स आते हुए शुगर के वायदा में। इसके अलावा कार्बन में नजर डालिए करीब 1 रुपए के आसपास की तेजी मामूली बढ़त के साथ शुरुआत 723 रुपए के आसपास के लेवल्स आपकी स्क्रीन्स पर। क्रूड पाम ऑयल में फिलहाल कोई वॉल्यूम्स नहीं 534.10 रुपए पे कल यहां पे क्लोजिंग हुई थी। हल्दी में 3/4% के आसपास की बढ़त 50 रुपए मजबूत 7055 के लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ। जीरा में हम देख रहे हैं 1/4% से कुछ ज्यादा का दबाव अब 40 रुपए के आसपास की कमजोरी वहां पर। चने में फिलहाल कोई ट्रेड नहीं आते हुए 3012 के लेवल्स पे कल क्लोजिंग हुई थी। और मस्टर्ड सीड में नजर डालिए ऑलमोस्ट सपाट हल्के लाल निशान 5 रुपए के आसपास की कमजोरी के साथ शुरुआत होती हुई। और सोया ऑयल में हम देख रहे हैं करीब करीब 2.5 रुपए के आसपास का दबाव देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट सोयाबीन भी आज ट्रेडिंग सेशन में करीब 13 रुपए के आसपास की कमजोरी के साथ ट्रेड करता हूं। तो काफी सारी एग्री कमोडिटीज में दबाव सोने और चांदी में हम देख रहे हैं आज दबाव आता हुआ। कच्चा तेल ऑलमोस्ट सपाट ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कमोडिटी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं stevn.com के दीपेन शाह। दीपेन हाय गुड मॉर्निंग। सोने के लिए आज का दिन अहम हो सकता है, क्या सलाह देंगे आप सोने और चांदी पर? क्योंकि ए डोमेस्टिक क्यूज बहुत सारे ट्रिगर्स हैं और बी ग्लोबल मार्केट से जिस तरह के ट्रिगर्स आ रहे हैं अब क्या रणनीति होनी चाहिए और स्पेसिफिकली आज कैसे मैं ट्रेड को अप्रोच करूं? गुड मॉर्निंग टू ऑल योर व्यूअर्स एंड आपको भी। देखिए अगर आप गोल्ड सिल्वर की बात करेंगे तो पिछले कई दिनों से ट्रेडिंग सेशन में आप देखेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट काफी फ्लैट रहा है 1950 टू 1960 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर आप करेंसी की बात करेंगे तो 63 के आसपास जो कल हमने प्राइस को आते हुए देखे थे डॉलर के उसी की वजह से प्राइस इंटरनेशनल मार्केट्स में इतने रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं जितने MCX में हम अपर साइड पे देख रहे हैं। आज हमने कंटिन्यूस 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में बाउंस बैक आते हुए देखी है तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा ये लेवल्स पे बाई करना। तो गोल्ड को अगर आप आज के दिन डेटा पॉइंट्स को कंप्लीट हो जाने के बाद ही ट्रेडिंग के लिए प्रिफर करें तो वो ज्यादा बेटर रणनीति होगी। तो वी वुड बी एडवाइज टू वेट एंड वॉच ऑन द साइडलाइंस फॉर ट्रेडिंग गोल्ड स्पेसिफिकली। ओके, तो फिलहाल कारोबार ना करें, इसमें वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाएं। लेकिन दीपेन हमने देखा है चीन से जिस तरह के डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं उसके चलते बेस मेटल्स में काफी दबाव देखने को मिल रहा है तो ऑब्वियसली फंडामेंटल्स प्ले अप हो रहे हैं। मेटल्स में
क्या करना चाहिए आज, कौन सी स्ट्रैटेजी होगी और कौन सी कमोडिटीज पे आप खासतौर पर फोकस करेंगे? देखिए स्पेसिफिकली अगर आप बात करेंगे बेस मेटल्स में, तो हमने पिछले हफ्ते में काफी बाउंस बैक भी देखी थी काफी सारी कमोडिटीज में, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग भी आना एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कमोडिटीज ट्रेडिंग में। अगर आप देखेंगे तो निकल अभी हम देख रहे हैं कि 900-915 के ऊपर सस्टेन होने में काफी डिफिकल्टी फेस कर रहा है, तो निकल में काफी प्रेशर आ सकता है प्राइसेज में, तो निकल एक सेफ बेट हो सकती है। 896 के लेवल्स के आसपास आप सेलिंग कर सकते हैं, 906 का स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट 876 का हो सकता है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा ये सिर्फ ट्रेडिंग व्यू है और इसको पोजिशनली आप ट्रेड ना करें। ओके, तो निकल में दबाव आ सकता है, एक ट्रेडिंग व्यू है, पोजिशनली ट्रेड ना करें। बिकवाली करने की रणनीति होगी, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। लेकिन दीपेन, हमने देखा था 340 रुपए के पार जाने के बाद कल नेचुरल गैस गिरकर बंद हुआ था, अच्छे खासे अप मूव देखने को मिले थे, अब कुछ करेक्शन आ रहा है, आज भी क्या दबाव एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इसमें क्या सलाह होगी? डेफिनेटली अगर नेचुरल गैस की बात करेंगे तो एक बहुत ही ओवर एक्सटेंडेड रन हमने देखा है जो काफी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर चले गए थे, और प्राइसेस आप देख रहे थे तो ट्रेडिंग सेशन में कम और सिर्फ गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग में ही हमने प्राइसेस को मूव होते हुए देखे थे।